बहनों और भाइयों, हम पहला चुनाव जब लड़ रहे थे, जयप्रकाश जी का जो आंदोलन है वो चारों तरफ फैला हुआ था और जयप्रकाश जी की कृपा से जबलपुर से हमको चुनाव लड़ने का अवसर मिला था। और उस चुनाव में अटल जी पधारे थे, एक सभा लेकर के उनको जाना था। बाबूराव परांजपे जो पूर्व सांसद हैं उनके घर ठहरे हुए थे, कुशाबाऊ ठाकरे जी और रघु ठाकुर, ये दो लोग चुनाव के जिम्मेदारी संभाले हुए थे। अटल जी जब एक बड़ा मैदान है उसमें सभा कर रहे थे तो बहुत अपार भीड़ थी, और हम जेल से आए थे तो पहली बार मंच पे ही उनको हमने देखा। 43 बरस हो गए, वो एक दिन के लिए आए थे, दूसरे दिन भी रुक गए, और एक बस्ती थी रांझी, सैटेलाइट टाउन था, उसमें हम उनके साथ एक सभा लेने गए। तो जबलपुर की लोकसभा सीट थी वो सेठ गोविंदास, स्वर्गीय सेठ गोविंदास जी की, संविधान सभा के कांस्टिट्यूंट असेंबली के वो मेंबर थे, भारतीय भाषाओं में हिंदी जो है उसके बड़े पैरोकार थे, लेखक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वहां किसी की भी जमानत नहीं बचती थी। अटल जी ने रास्ते में हमसे पूछा, बोलो क्या हाल है? हमने कहा ठीक है। बोले जीतोगे? हमने कहा हाँ हम जीतेंगे। अरे क्या कह रहे? हमने कहा हम 1,00,000 वोट से जीतेंगे। अरे उनका अंदाज अलग था बयान का। बोले कि जीत जाओ तो हमारे घर आके पहली बार खाना खाना, यानी भोजन और पकवान उनके यहाँ जब भी जाइए तो नया मिलता था। लंबा अरसा है, वक्त की कमी है, आज इतना लंबा जवाहरलाल जी से लेकर कोई प्रधानमंत्री नहीं जिसके आजू बाजू सामने से वो, और बहुत बड़ा दौर तो हमने भी देखा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनका जीवन जो है वो कबीर ने जो कहा है उसी जैसा चलता फिरता था। महात्मा कबीर ने, बहुत बड़ा आदमी है, कहा था कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, कहा कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से उड़ी, जस की तस रख दीनी चदरिया, बेदाग खाने का पीने का उठने का बैठने का कोई चिंता नहीं थी, ऐसे मोहब्बत से भरे हुए इंसान को, इंसानियत से भरे हुए इंसान को अटल जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।